एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 23वीं बटालियन में पौधारोपण किया। इस दौरान डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान डीजीपी सुधीर सक्सेना और उनके साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कहा गया है कि आप एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाइए और इस धरती को हरा भरा बनाइए। जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार हर कोई ना कोई नेता अभिनेता पेड़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, उस आह्वान को लेकर के पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। लगातार अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभाग रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके, खास करके कई बड़े नगरों ने बड़े बड़े लक्ष्य भी लिए हैं। आज पुलिस परिवार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का बड़ा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई। इसी बीच एक बड़ी खबर, अब एमपी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी। तो एक्शन में आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को दो टूक किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 5 साल में विधानसभा में करने वाले विकास कार्य का खाका पेश करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विधायक पैनी नजर भी रखें। तो सीएम मोहन यादव ने संभागवार विधायकों के साथ बैठक कर विधायकों को साफ कह दिया है कि अब जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर एमपी सरकार काम करेगी। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो वहीं 5 साल के विकास कार्यों का खाका भी पेश करने के लिए कह दिया है और इसके साथ सीधे जनता से जुड़ने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को दी जाने वाली नई इनोवा क्रिस्टा राजधानी भोपाल के स्टेट गैरेज में आ चुकी है और अब लगातार मंत्रियों को नई इनोवा क्रिस्टा भी दी जा रही है। तो एक एक करके मंत्रियों के ड्राइवर स्टेट गैरेज पहुंच रहे हैं और नई इनोवा क्रिस्टा लेकर जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पुरानी गाड़ियों को स्टेट गैरेज में जमा भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल के स्टेट गैरेज की हैं, जहां पर नई इनोवा क्रिस्टा मंत्रियों को दी जा रही है और इसके साथ ही पुरानी वाली गाड़ियों को मंत्री जमा करा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ड्राइवर ने बताया कि हमने पुरानी गाड़ी को यहाँ पर जमा कर दिया है और अब नई इनोवा क्रिस्टा मंत्री जी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मंत्री के ड्राइवर स्टेट गैरेज पहुँच रहे हैं और पुरानी गाड़ी को वहाँ पर जमा करने के बाद नई इनोवा क्रिस्टा लेकर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को दी जाने वाली नई गाड़ी इनोवा क्रिस्टा मंत्रियों को दी जाने लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजधानी भोपाल के स्टेट गैरेज में मैं मौजूद हूं और ये जो इनोवा क्रिस्टा है ये अब उनके जो मंत्री हैं उनके ड्राइवर लेने आए हैं और नई इनोवा क्रिस्टा सभी मंत्रियों को जैसा कि कहा गया था दी जाएंगी। अब स्टेट गैरेज में एक एक करके कई गाड़ियां नई इनोवा क्रिस्टा जो हैं खड़ी हैं और मंत्रियों को दी जाने लगी हैं। ये किसकी गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं, कौन से मंत्री की? माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी। अच्छा, राजेंद्र शुक्ला जी की है जी। ठीक है, पुरानी गाड़ी यही जमा हो रही है? पुरानी जमा हो रही है, नई लेके जा रहे हैं। नई लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, ये डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी की है, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इनोवा क्रिस्टा दी जा रही है। अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं उन्हें नई नई गाड़ियां दी जा रही हैं और पुरानी जो मंत्री जी की गाड़ियां थी, जो मंत्री पुरानी गाड़ियां प्रयोग करते थे अपने चलने के लिए, उन्हें यहीं पर स्टेट गैरेज में जमा किया जाएगा और यहां से नई गाड़ी इशू की जाएंगी। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, अलग अलग जो है इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, करीब जिस तरह तय किया गया था जितने मंत्री हैं उतने मंत्रियों को नई नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी जाएंगी और स्टेट गैरेज में
सभी इनोवा क्रिस्टा आ चुकी हैं और कल भी कुछ मंत्रियों को ये गाड़ी वितरित की गई थी। मंत्री के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ से लेकर गए थे, आज भी लेकर जा रहे हैं। फिलहाल जैसा फैसला लिया गया था वो फैसला अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और मंत्रियों को गाड़ियाँ वितरित की जा रही हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो आपको बता दें कि सरकार ने तय किया था कि मंत्रियों के पास जो अभी गाड़ियां हैं वो अब सही नहीं हैं और इसलिए सभी मंत्रियों को नई गाड़ियां दी जाएगी, और जिसके बाद से ये तस्वीरें सामने आई कि आज सभी मंत्रियों को नई इनोवा क्रिस्टा दी जा रही है। और इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 90 करोड़ के भुगतान वाली 174 फर्जी फाइलें गायब हैं। तो पुलिस केस में सिर्फ 48 फाइलों के 31 करोड़ भुगतान की ही बात सामने आई, साथ ही 90 करोड़ का नुकसान हुआ है और 90 करोड़ का फर्जी भुगतान भी किया गया। वहीं कांग्रेस ने एसआईटी का गठन कर 90 करोड़ के भुगतान की जांच की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि 90 करोड़ के भुगतान वाली 174 फर्जी फाइलें गायब है। अभी तक जो मेरी जानकारी में है कि 285 के लगभग फाइलें नगर निगम ने पुलिस विभाग को दी, जिसमें से 63 फाइलें ऐसी थी जो सही पाई गई, उसमें से लगभग 253 फाइलें बचती है जो इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। पुलिस का यह मानना है कि 31 करोड़ रुपए के लगभग नगर निगम के द्वारा इन ठेकेदारों को पेमेंट हुआ, लेकिन नगर निगम का रिकॉर्ड ये कहता है, हमारी जानकारी ये कहती है कि लगभग 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा, मतलब 100 करोड़ रुपए के लगभग नगर निगम को चूना लगाया इन ठेकेदारों ने। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर दमोह से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दमोह में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे के रूप में सुर्खियां बटोर ली है, जिसमें स्कूली बच्चों को शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का शिकार बनाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। तो पथरिया तहसील के गवर्नमेंट सरदार पटेल इंग्लिश मीडियम EPS मिडिल स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में कॉलम नंबर 6 है, और जिसमें धर्म पर हिंदू की जगह क्राइस्ट और क्रिश्चियन लिखा गया। तो दरअसल जिन बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट मीडिया के सामने आए हैं वे सभी बच्चे हिंदू धर्म से आते हैं, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने कलेक्टर को लिखकर शिकायत सौंप दी है। तो एक बार फिर दमोह से धर्मांतरण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि ठीक एक साल पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे, और अब फिर से एक बार फिर दमोह में धर्मांतरण का मुद्दा उठ चुका है। तो जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है, और इस मामले पर जिस पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को पत्र भी जारी कर दिया है और 3 दिन में उससे जवाब भी मांगा गया। इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, MP में बदले जा सकते हैं कई जिलों के कलेक्टर। तो 12 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो CM की बैठक में अधिकारियों का मामला उठा था, और विधायकों की बैठक के बाद से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी भी चल रही है। तो मंत्रालय में भी अफसरों की जिम्मेदारी बदली जाएगी, और विधायकों से 1-to-1 में समन्वय की कमी का कारण भी बताया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि MP में कई जिलों के कलेक्टर जो है बदले जा सकते हैं, और 12 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदलने के ये खबरें सामने आ रही हैं। तो CM की बैठक में अधिकारियों का ये मामला सामने आया था, और विधायकों की बैठक के बाद से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें कि मंत्रालय में भी अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, और इसके साथ ही ये बात सामने आई कि विधायकों से समन्वय नहीं बन रहा है, समन्वय में कमी आ रही है, और इसी के चलते ये खबर सामने आई है कि अब MP में कई जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक,
बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमपी में एक बार फिर से कई जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं और 12 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदले जाने की संभावना तेज हो चली है। क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? राजा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 72 घंटे तक विधायकों से वन टू वन चर्चा की है और लगभग सभी प्रदेश के विधायकों से उन्होंने बातचीत कर ली है। करीब ये स्थिति बन रही है कि करीब 12 कलेक्टर बदले जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों को फील्ड पर जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री फिलहाल मंत्रालय में समीक्षा अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बैठक भी करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो निकल के सामने आ रही कि 12 से अधिक कलेक्टर के तबादले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हो जाएंगे। हालांकि ये तबादले जुलाई के पहले सप्ताह में होने थे, लेकिन आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर 12 जिलों के कलेक्टरों के तबादले किए जा सकते हैं। ऐसे विवेक, आगे निकाय चुनाव है, क्या चुनाव के ऊपर इसका कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, चुनाव की बात अलग है, लेकिन विधायकों से जो तमाम कलेक्टर हैं उनके बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा था। मुख्यमंत्री को ये बात की जानकारी दी कि कई प्रस्तावों पर जो जिले के कलेक्टर हैं वो कोई ना कोई नियम का हवाला देकर प्रस्ताव को देरी करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कलेक्टरों की सूची दी जाए और विधायकों ने कलेक्टरों की सूची दे भी दी गई है और इसके अलावा तमाम सारे कारण भी बताए कि जल जीवन मिशन में कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। ऐसे कई विषय हैं जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए हैं और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय रिव्यू करके जल्द से जल्द सामान्य प्रशासन विभाग को सूची देगा और उसके बाद वो सचिवालय आएगी, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जल्द ही तबादले के आदेश जारी हो जाएंगे। राधा, ठीक है विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में हाई प्रोफाइल शादी में जय महाकाल गूंजा है। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर महाकाल मंदिर से आशीष और संजय पुजारी पहुंचे और उन्होंने मुकेश, नीता और साथ ही राधिका और अनंत अंबानी के गले में महाकाल मंदिर पुजारी ने जय महाकाल का दुपट्टा भी डाला है। तो ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो चांदी के बेलपत्र, भस्मी और बाबा महाकाल की प्रसाद उनको भेंट की है और दाम्पत्य जीवन की सुख संपत्ति समृद्धि के लिए पुजारियों ने शिव शक्ति पूजन भी करवाया है। तो कल अंबानी परिवार में, आपको बता दें कि मुंबई में शिव शक्ति पूजन हुआ जिसमें दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करवाई गई और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिला बड़वानी आज पिछड़ेपन से उभर नहीं पाया है। यहाँ आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पक्की सड़क, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पक्के मकान, ये सिर्फ नेताओं के वादे और सरकारी योजनाओं में ही दिखाई देते हैं। जमीन पर आज भी लोग इन सभी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा के गांव धार कुंडिया में एक ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आई जहाँ आज भी शिक्षा का बुरा हाल है। यहाँ स्कूल तो दूर, आंगनवाड़ी तक नहीं है। जब विस्तार न्यूज संवाददाता जफर अशरफी बड़वानी के धार कुंडिया गांव पहुंचे तो तस्वीरें हैरान करने वाली थीं। गांव में कुल 60 से 70 परिवार निवास करते हैं और 60 से ज्यादा बच्चे हैं। तो संवाददाता जैसे ही गांव पहुंचे तो लोग स्कूल लाने के लिए भीड़ लग गई और उनके मन में एक ही सवाल था कि शायद हमारी आवाज़ अगर टीवी पर दिखाई दे तो सरकार सुनकर हमारे गांव में ही स्कूल का निर्माण करवा देगी। ने इसमें जन शिक्षकों और बीआरसी कार्यालय से भी हमारे बीएससी गए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, सर्वे भी करवाने की व्यवस्था हमने की है और अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन फलियों में हम शिक्षक को पहुंचा देंगे ताकि अभी इमीडिएट उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं थी, ना तो स्कूल है, ना तो आंगनवाड़ी, कुछ नहीं है यहाँ पे, और है वो भी दूर है, बहुत दूर है, वो इतनी दूर जा नहीं सकते यहाँ के बच्चे, तो इसलिए हम बाहर ही पढ़े। यहाँ रहते तो हम तो अनपढ़ ही रह जाते। आज यहाँ ऐसे है बच्चे की अनपढ़ ही है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। जिनके माँ बाप थोड़े समझदार होते हैं वो बाहर हॉस्टल में रख देते हैं, पर जो ना समझ है वो तो फिर यही रहेंगे बच्चे।
इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी सामने आई है। महाकाल की नगरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, तो रोजाना भोपाल उज्जैन स्पेशल ट्रेन चलेगी। भोपाल से रोजाना दोपहर 2:10 पर ट्रेन रवाना होगी और शाम 7:20 पर उज्जैन ट्रेन पहुंचेगी। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अब उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल से हर रोज दोपहर 2:10 पर एक ट्रेन चलाई गई है और जो कि शाम को 7:20 पर उज्जैन पहुंच जाएगी। तो भक्तों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि महाकाल की नगरी के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी। तो अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां आज भी लोगों को इतनी जल्दी है कि अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, तस्वीरें बोल रही हैं। क्या कहती है मुरैना की तस्वीर और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बस के ऊपर अभी तक सामान को बांध कर ले जाया जाता था, लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां जान को जोखिम में डालकर लोग बस के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बस तो ठीक थी, छोटे सवारी वाहन की छत पर बैठने के साथ ही लटक लटक कर सफर कर रहे हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है, चंबल अंचल में इसी तरह से लोग कई सालों से सफर करते आ रहे हैं। वाहन पलटने से कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी ना तो यात्री सबक ले रहे हैं और ना ही ड्राइवर। ऐसे में हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। मुरैना से धौलपुर रूट पर ओवरलोडिंग, जौरा कैलारस सबलगढ़ रूट पर ओवरलोडिंग, अंबा पोरसा रूट पर ओवरलोडिंग। नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है। बड़ा हादसा होते ही अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं और 2-4 वाहनों पर कार्रवाई करते हैं, या तो सिर्फ चालान काट छोड़ देते हैं। जबकि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जगह जगह चौकियां और थाने बनाए गए हैं, वह भी इस ओर ध्यान नहीं देते। देखिए, कार्रवाई तो इसमें ट्रैफिक की कार्रवाई काफी अच्छी चल रही है और लगातार इसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, और खास तौर से जो वीडियो भी जो मुझे देखने को आया है उसमें कुछ बसेस भी ओवरलोड दिख रही हैं, कुछ जो और जो लोडिंग छोटे वाहन है वो भी ओवरलोड दिख रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है और वो उसके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं थाना प्रभारी जो भी अभी वीडियो आया है मैं उनको भेज भी रहा हूँ और ये इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई। रोड का कुछ वीडियो आपने मुझे दिखाया है, मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से जोखिम भरा है। ऑटो के ऊपर सोकर जाना या बस के ऊपर बैठना, मेरी बात हो गई आरटीओ से, इस क्षेत्र पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, पुनः कार्रवाई हम करेंगे। आए दिन हो रहे बस हादसों के बाद भी प्रशासन आंख पर पट्टी बांध अपने ही काम पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा तो है ही कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरह से बसों और टमटम की छत पर सवार होकर सफर करना कब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेट यूजी मामले की सुनवाई टल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और अब 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट नेट यूजी परीक्षा को लेकर, क्योंकि नेट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला था, लेकिन अब ये सुनवाई टाल दी गई है और अब सीधे बुधवार यानी 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि एनटीए के एफिडेविट के बाद जो है सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है दायर कर दी थी, और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है और ये सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ है। और इस मामले पर अब सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस सुनवाई को टाल दिया गया है और अब ये सुनवाई सीधा 18 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी अपडेट है और अब 10 जुलाई यानी कि आज के बाद सीधा 18 जुलाई, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 11 जुलाई है आज, आज इसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई सीधे 18 जुलाई को होगी।
तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, एक बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया है और सीधा 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? राधा, जब आज सुनवाई शुरू हुई थी तो यह मामला जो है वो 40 के बाद लिस्टेड था, और जब ये मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस और उनकी बेंच बैठी तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले में उन्होंने सीधे बताया कि इस मामले की सुनवाई कल की जाएगी, यानी कि फ्राइडे को दिन उन्होंने दिया। लेकिन इसके बाद फिर से जब पूरे मामले को उन्होंने देखा, पड़ताल की, उसमें जो एफिडेविट फाइल की गई है, हलफनामा दायर किया गया है NTA और सरकार की तरफ से, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास सोमवार के जो है वक्त कुछ व्यस्तताओं के चलते नहीं बन पा रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने तारीख जो है 18 जुलाई तक के लिए है वो मुलतवी कर दी कि 18 तारीख को अगली तारीख है, इसी दौरान जो है वो सुनवाई होगी। यानी कि पूरे मामले पर जो अभी कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चली है वो तारीख देने तक की ही रही है, कोई खास जो है किसी मामले पर जो है चर्चा जो है वकील के बीच में और खास खास में जो दोनों पक्ष के वकील हैं उनके साथ नहीं हो पाई है। सीधे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली 18 जुलाई को जो सुनवाई होगी वो पहला ही मामला होगा, पहला ही मामला लिस्टेड रहेगा और डायरेक्ट इसी पे सुनवाई चलेगी। राधा, ठीक है अमृत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब सीधे 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि 18 जुलाई को क्या कुछ फैसला सामने आता है।